नमस्ते दोस्तों, शिक्षा कोचिंग के YouTube क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित टॉपिक का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि गणित टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें हमने 37 प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में से दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन भी किए। चलो हम रिविज़न करते हैं। जो हमने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा उसमें पहले कंसेप्ट से किया, उसके बाद ट्रिक से किया। ट्रिक क्या थी, 1160 में से माइनस कर देंगे, और उसके हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे 37 प्रतिबिंब, उसके बाद में कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। चलो क्वेश्चन, यदि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, 40 मिनट का समय हो रहा है, समय हो रहा है, हो रहा है। यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए, प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन हमने किया था, इस टाइप का क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, जो भी समय दिया होता है उसे 1160 में से माइनस कर देंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। 1160 में से इसको माइनस करेंगे, 60 में से यदि 40 माइनस करेंगे तो 20, और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, तो 9:20 इसका दर्पण प्रतिबिंब आया था। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया। आज हम इस ट्रिक को मॉडिफाई करेंगे। यदि समय 12 से अधिक दिया हो तो क्या करेंगे, ये तो समय है, 12 से कम हो तो हम 1160 में से माइनस कर देंगे। इसी क्वेश्चन को हम करेक्शन करते हैं। यहां पर यदि समय 12:10 दे रखा है तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये ट्रिक तो यहां फेल हो गई। इस क्वेश्चन को हम इस टाइप कैसे करेंगे, जो भी समय दिया होता है उसे हम 23:60 में से माइनस कर देंगे। जो 12:10 है, 11:60 में से तो माइनस होगा नहीं, जो भी समय दिया है उसे हम कितने में से माइनस कर देंगे, 23:60 में से माइनस कर देंगे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात हो जाएगा। 12:10 है, 23:60 में से 12:10 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस करेंगे 60 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे, 50, और 23 में से यदि 12 गए, 3 में से 2 गए कितने, 1, और 2 में से 1 गए 11, तो 12:10 का दर्पण प्रतिबिंब कितने बनेगा, 11:50 इसका। और यदि इसके बाद हम यदि समय या घंटे और मिनट में दे रखा है, यदि समय घंटे मिनट और सेकंड में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप का है, यदि समय घंटे मिनट और सेकंड में दे रखा है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा कि एक घड़ी में 3:14:15 15 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, फिर सेकंड का समय हो रहा हो तो यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि जो भी समय दिया होगा, ये समय 3 घंटे है, मतलब 12 से कम है, तो इस 12 से कम है तो इसको क्या करेंगे, 12 वाले कंसेप्ट से करेंगे, तो इसको कितने में से माइनस करेंगे, 11:59:60 में से, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात हो जाए। ट्रिक एक ही है, बस ट्रिक को मॉडिफाई किया जा रहा है। यदि समय 12 से कम दे रखा हो, 11 से कम दे रखा हो तो इसे 11:60 में से माइनस कर देंगे, यदि समय 12 से अधिक दे रखा हो तो उसे 23:60 में से माइनस कर देंगे, और यदि समय घंटे मिनट और सेकंड में दे रखा हो तो 11:59:60 में से माइनस कर देंगे। यदि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, 11:59:60 ये ट्रिक है, 3:14:15
अब इसका आंसर क्या जाएगा? अब हम माइनस करते हैं इसको, 60 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। 59 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 4 गए तो कितने बचे? 5। और 5 में से गया 4। और 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9, 8। ये हो गया इसी क्वेश्चन 3:14:15 का हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो इसका आंसर होगा 8:45:45। राइट है, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 10:10। क्वेश्चन सेम है, यदि एक घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है और यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा? फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देता हूँ मैं 3:15:16। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देता हूँ मैं 13:20। और फोर्थ एग्जांपल देता हूँ मैं 14:20:15। इस टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया, इस टाइप का भी हमने कर लिया, इस टाइप का भी कर लिया। अब यदि समय 12 से अधिक है, यदि समय 12 से अधिक है और वो सेकंड में भी दे रखा है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बस एक इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन बचा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, अभी हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, इसलिए क्वेश्चन सेम रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, यदि एक घड़ी में, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 14:20:15 का 15 सेकंड का समय हो रहा है और इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 14:20:15 हो गए, 14 बज रहे मतलब समय 12 से अधिक है। यदि समय 12 से अधिक होता है तो हम क्या करते हैं? हमने पहले क्या किया, 23:08 में से माइनस करते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? समय 12 से अधिक है तो ठीक क्या होगी, 23:59:60 में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं हम 23:14:20:15। चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं, माइनस करेंगे, 60 में से 15 गए 45, 59 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 9 और 13। और 23 में से 14 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 9:39:45 का समय आ गया। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। इन फर्स्ट जो हमने पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब, इन इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। इसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट सीधा समय दे रखा हो 12 से कम तो उसे 12 से कम दे रखा है तो उसे 11:59 में से माइनस कर देंगे, और यदि सेकंड में दे रखा है तो सेम होगा, और समय यदि 12 से अधिक दे रखा है तो उसे क्या करेंगे हम, समय 12 से अधिक दे रखा है 23:60 में से माइनस करेंगे, और यदि समय सेकंड में भी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 23:59:60 में से माइनस करें। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि ये 11:60 में से क्यों माइनस करते हैं, हम इसे 12 में से भी तो माइनस कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था मैंने बोला कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बताया था कि जो समय होता है उसे 11:60 में से ही क्यों माइनस करते हैं और 23:60 में से ही क्यों माइनस करते हैं, इसका कंसेप्ट मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस समय को हम 12:00 में से भी तो माइनस कर सकते हैं, 12:00 लिखो या 11:60 लिखो, चीज़ एक ही है, और 24:60 चीज़ एक ही है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका कंसेप्ट बताता हूँ। इसका कंसेप्ट यह है कि मैथ के अंदर 00 का मतलब होता है 100, जबकि घड़ी में समय 100 के अनुसार ना चलकर 60 के अनुसार ही चलता है, इसीलिए जो समय लिखते हैं उसे हम 11:60 में से माइनस करते हैं। ये कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है इसका, इसीलिए क्योंकि घड़ी का समय 60 सेकंड
60 वाला रूल घड़ी के अंदर लागू होता है, इसीलिए हम डबल 100 में से माइनस ना करके 60 में से माइनस कर, ये इसका कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, जो हमने बताया कि इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते थे, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, कोण ज्ञात करने से संबंधित और समय ज्ञात करने से संबंधित। दर्पण प्रतिबिंब में भी दो टाइप बताई, क्षितिज और ऊर्ध्वाधर, ये हमारे ऊर्ध्वाधर टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब हम पढ़ेंगे क्षितिज प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन, क्षितिज प्रतिबिंब, क्षितिज प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन। क्षितिज प्रतिबिंब को हमने बताया कि क्षितिज प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब भी कहा जाता है, क्षितिज प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब भी कहा जाता है। मैंने क्षितिज प्रतिबिंब के बारे में बताया कि ऊपर की अवस्था नीचे की तरफ होती है, जबकि नीचे की अवस्था ऊपर की तरफ होती है। तो अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे कि इसमें क्षितिज प्रतिबिंब में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले कंसेप्ट उसके बाद ट्रिक, ये दो फॉर्मूले, पहले कंसेप्ट उसके बाद ट्रिक, क्योंकि कंसेप्ट से करना भी जरूरी है, क्योंकि कई कभी कभी क्वेश्चनों में फॉर्मूला जो ट्रिक होती है वो फेल हो जाती है, तो उसे उसका कंसेप्ट काम आएगा। मैं करूँगा इसके बाद एक क्वेश्चन बताऊँगा कि ये ट्रिक कहाँ फेल हो रही है, कौन से क्वेश्चन में ट्रिक फेल होती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्षितिज प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन। चलो हम क्वेश्चन लिखते हैं, यदि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, मिनट का 2:40 का समय हो रहा है, यदि इसे क्षितिज प्रतिबिंब में देखा जाए, यदि इसे क्षितिज प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी, क्या समय दर्शाएगी। ये क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है और यदि इसे क्षितिज प्रतिबिंब में देखा जाए तो ये क्या समय दर्शाएगी। इस क्वेश्चन को हम पहले कंसेप्ट उसके बाद ट्रिक, इसकी ट्रिक थोड़ी लेंथी है लेकिन अच्छी ट्रिक है, वो इस टाइप के क्वेश्चन हम कभी फेल नहीं होती। ये क्षितिज प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है, और यदि कभी पूछा जाता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है वो हम उपयोग में करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, 2:40 का और समय हो रहा है घड़ी का, हम पहले घड़ी ड्रॉ करेंगे, 2:40 घड़ी में 2:40 का समय, मतलब 2:40 का समय हो रहा है, मतलब घंटे वाली सी सुई होगी वो 2 से आगे होगी, 2, 2.5 और 3 के मध्य होगी, और मिनट वाली सुई इधर 8 पर होगी। चलो इसका हम बनाते 2:40, ये घंटे वाली सुई हो गई और यह मिनट वाली सुई हो गई, सही है 2:40। अब इसका क्या हमें ज्ञात करना है, क्षितिज प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो क्षितिज प्रतिबिंब में मैंने क्या बताया कि ऊपर की अवस्था नीचे की तरफ दिखाई देती है, और जबकि नीचे की अवस्था ऊपर की तरफ दिखाई देती है। जैसे जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे जल के अंदर हम देखते हैं तो नीचे, हम ऊपर देखते तो हमारी जो परछाई नीचे की तरफ दिखाई देती है, और हम नीचे से देखेंगे तो हमारी परछाई ऊपर की तरफ दिखाई देगी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम जल प्रतिबिंब, ये हो गया क्षितिज प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन हो रहा है कंसेप्ट से, लेकिन एग्जाम में हमें कंसेप्ट का यूज नहीं करना है, बस केवल सीखने के हिसाब से, हमारे नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से करें, बाकी हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही करेंगे। इसका क्षितिज प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका क्षितिज प्रतिबिंब बनेगा
ऊपर की अवस्था नीचे की तरफ और नीचे की अवस्था ऊपर। अब देखो इसका 37 प्रतिबिंब बनाओ, इसका 37 प्रतिबिंब हो गया। जो घंटे वाली सुई है वो भी 2 और 3 का मध्य है, यदि इसका 37 प्रतिबिंब बनेगा तो 37 प्रतिबिंब का बनेगा, घंटे वाली सुई तो 3 और 4 के मध्य आ जाएगी, जबकि जो मिनट वाली सुई है ये इधर 8 पे मतलब 40 पे है, तो ये मिनट वाली सुई इधर कहाँ आ जाएगी, 10 पे 50 पे, 8, 7, 1 और 2, ये इसका क्या बन गया, 37 प्रतिबिंब बन गया। देखो ये अवस्था चित्रण करके देखो बन रही है, यदि घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है और इसे 37 प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा, तो ये समय कितना हो गया, 3:50। ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट करो। तीन बजकर 50 मिनट का समय हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करेंगे, तीन इसका आंसर क्या आ रहा है, 2:40 का समय हो रहा है घड़ी के अंदर और 37 प्रतिबिंब में देखा जा रहा है तो 3:50 का समय हो रहा है। अब इसको हम ट्रिक से करेंगे, इसकी ट्रिक थोड़ी मैंने पहले बताया, थोड़ी लेंदी होगी, नहीं अच्छी ट्रिक है। जो भी समय दिया होता है उसे 7:30 में ऐड करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, मतलब समझ में आ रहा, 2:40 का समय दे रखा है, इसे 7:30 में ऐड करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, इसकी क्या है ये ट्रिक, ट्रिक को थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छी ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन बुक में आप देखोगे तो नए नए तरीके से बताया जाएगा, वो ट्रिक कभी कभी फेल हो जाती है, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। 2:40 मैंने क्या बताया, जो भी समय दिया होगा उसे 7:30 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी समय दिया होता है उसे 7:30 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, जो भी ऐड करेंगे मतलब 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। यदि समय 12 से कम, घंटे वाला समय 12 से कम है तो इसे 12 में से माइनस करेंगे, और मिनट वाला समय यदि 60 से कम है तो इसे 60 में से माइनस करेंगे, यदि घंटे वाला समय 12 से अधिक है तो इसे 24 में से माइनस करेंगे, और जबकि ये मिनट वाला समय 60 से अधिक हो तो 120 में से माइनस करें, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 और 2 9 मतलब 12 से कम है, यदि 12 में से 9 जाएंगे, 9 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3, और इधर कितना हो गया, मिनट का समय कितना हो गया, 40 और 30 कितने हो गए, 70। तो अब क्या करेंगे, समय 60 से अधिक हो गया तो मैंने क्या बताया, यदि समय 60 से अधिक हो तो उसे 120 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50। ये देखो कंसेप्ट और ट्रिक, आंसर सेम है, ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, मैंने क्या बोला ट्रिक थोड़ी लेंथी एलिंग ट्रिक अच्छी है, क्योंकि 37 प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम होते जो क्वेश्चन को करवाते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट से तो करते नहीं है और ट्रिक थोड़ी लेंथी होती है, और जो ट्रिक बताते हो कभी कभी फेल हो जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये ट्रिक लगाओगे तो कभी फेल नहीं होगी। चलो हम और आगे प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन की, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो यदि चलो अब हम समय लेते हैं, यहाँ पर समय यहाँ चेंज कर देते हैं, समय हो जाएगा 7:10 का हम समय कर देते हैं, ठीक है 7:10। क्वेश्चन वही है, यदि एक घड़ी में 7:10 का समय हो रहा है और यदि हम इसे 37 प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय होगा, 7:00। मैंने क्या बताई ट्रिक, क्या बताई, जो भी समय दिया होता है उससे पहले 7:30 में ऐड कर देंगे तो 7:30 या कितना समय दे रखा है हमें घड़ी के अंदर, 7:10। दोनों को ऐड करेंगे, मैंने क्या बताया दोनों को ऐड करना है लेकिन लिखना नहीं है, ऐड कितने, 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। अब यदि 14 का समय आ गया, 14 घंटे हो गए मतलब 12 से अधिक है, तो मैंने क्या बताया यदि समय 12 से अधिक है तो 24 में से माइनस करेंगे, और यदि समय 12 से कम है तो 12 में से माइनस करेंगे, 7 और 2 14 14 गया, यदि 24 में से 14 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10, और इधर कितना है, 30 और 10 40 हो गए। ये समय, ये मिनट का समय है, ये 40
मिनट मतलब 60 से कम है ना, तो 60 में से माइनस कर देंगे, 60 में से चले जाएंगे तो 10:20, इसका आंसर हो जाएगा 10:20। यदि घड़ी में 7:10 का समय हो रहा है और ये 37 प्रतिबिंब लिखा होगा क्वेश्चन में, 37 प्रतिबिंब लिखा होगा, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है और यही ट्रिक इसमें यूज़ करनी है, बाकी इधर कोई सी भी ट्रिक यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो ट्रिक आगे जाके फेल हो जाती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। चलो हम और प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चनों की, 2-3 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम कौन निकालने से संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब हम समय चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है और इसे 37 प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा? 5:20, मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या है इसकी, जो भी समय दिया होता है उसे 7:30 में ऐड कर देंगे, 7:30 में ऐड कर देंगे 5:20 को। अब इसको ऐड करेंगे लेकिन क्या लिखेंगे, ऐड तो करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, फिर 7 और 5 कितने होते हैं, 12, समय आ गया 12 से अधिक, और ये कितना होता है 30 और 20 50, ये क्या किया, 7 और 5 कितने हो गए 12, तो इसे कितने में से माइनस करेंगे, 24 में से माइनस करेंगे, 24 में से यदि 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, और इधर क्या 30 और 20 कितने हो गए 50, 60, ये 60 से कम है तो 60 में से माइनस कर देंगे, तो 12:10, यदि एक घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है और इसे 37 प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या होगा 12:10 का। चलो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, इसको कंप्लीट करना, उसके बाद आज हम इसी में सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 3:50, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10:10, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9:30 और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:20। इन 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। ये ट्रिक कोई सा भी क्वेश्चन कर लो इस टाइप को, सारे क्वेश्चनों में फॉलो होगी। चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी दिन हो गए, 2 क्लास हो गई दर्पण प्रतिबिंब पढ़ते हुए। चलो हम स्टार्ट करते हैं कौन याद करने से संबंधित क्वेश्चन, एक बार हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम कौन याद करने से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। घड़ी टॉपिक है, घड़ी टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होगा वो किस में कैसे होगा, दर्पण प्रतिबिंब, और सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कोण ज्ञात करने से संबंधित, और थर्ड टाइप का मैंने बताया था समय ज्ञात करने से संबंधित। इसमें मैंने बताया था दर्पण प्रतिबिंब में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हमने फर्स्ट पार्ट इस क्लास का पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था, और क्षैतिज प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन हमने अभी आज पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोण ज्ञात करने समय, इन दोनों में क्या क्या था, ऊर्ध्वाधर में ट्रिक क्या बताई थी, जो भी समय दिया होता है उसे 11:60 में से माइनस कर देंगे, और समय यदि 11 से अधिक का हो तो उसे 23:60 में से माइनस कर देंगे, और इसमें क्या ट्रिक बताई मैंने, 37 प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन है, जो भी समय दिया होगा उसे 7:30 में ऐड कर देंगे, और घंटे वाले समय को 12, यदि 12 से छोटा है तो 12 में से माइनस कर देंगे, और यदि 12 से अधिक है तो उसे 24 में से माइनस कर देंगे। चलो अब हम पढ़ेंगे कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन, अब इसको लो कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, वो एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सेकंड टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कोण ज्ञात करने से संबंधित, और थर्ड टाइप के पढ़ेंगे हम समय ज्ञात करें। कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने से पहले अब हम इसकी कुछ कोण कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में कुछ घड़ी से संबंधित कुछ सामान्य नॉलेज है वो देखेंगे कि घड़ी में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है,
घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। चलो हम इसके पहले दो तीन कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, उसके बाद किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम करेंगे। चलो हम करते हैं। ये घड़ी है, मान लो कि ये घड़ी है। अब इसमें हम पहले बात करेंगे कि मिनट वाली सुई कितने मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। इस प्रकार के दो तीन कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। मिनट वाली सुई, अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट का समय लेती है, एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट का समय लेती है। 60 मिनट का समय लेती है पूरा एक राउंड को कंप्लीट करने में। तो पूरा सर्किल 60 मिनट का समय लेती है एक पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, और ये पूरे कितने डिग्री का कोण है, 360 डिग्री का। यदि मिनट वाली सुई 60 मिनट में, ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्या 60 मिनट में, ये मिनट का कंसेप्ट है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक मिनट में ये बनाएगी 360/60, कितना हो गया, 6 डिग्री का, सही है। मिनट वाली सुई हो गई, मिनट वाली सुई का कंसेप्ट हो गया। यदि 60 मिनट में यदि 360 डिग्री का कोण बनाती है तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घंटे वाली सुई का कंसेप्ट। घंटे वाली सुई क्या, घंटे वाली सुई है, पूरी घड़ी में कितने घंटे होते हैं, पूरे राउंड 12 घंटे होते हैं। यदि 12 घंटों में घंटे वाली सुई भी 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक घंटे में बनाएगी ये 360/12, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण। एक घंटे में यदि ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में ये कोण बना रही है 360 डिग्री का, 30 डिग्री का मतलब, सॉरी, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो घंटे वाली सुई एक मिनट में कोण बनाएगी 30/60, आधे डिग्री का। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में यदि ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक मिनट में आधे डिग्री का कोण कंप्लीट करेगी। ये दो कंसेप्ट हो गए मिनट वाली सुई के और घंटे वाली सुई। ये कंसेप्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी, मैं आगे आपको एक क्वेश्चन करूंगा उसमें ट्रिक फेल हो जाएगी, वहां पर ये कंसेप्ट काम आएगा। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में 6 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री का बनाती है, तो एक घंटे में 30 डिग्री और एक मिनट में आधे डिग्री। तो इसका मतलब यही हुआ कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य एक मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर होता है। कैसे, मिनट वाली सुई 6 डिग्री, घंटे वाली सुई आधे डिग्री, तो इनमें अंतर कितना होगा, 5.5 डिग्री, मतलब 12 बजकर 1 मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देख लो, इधर 6 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर आधे डिग्री का, 6 डिग्री में से आधे डिग्री माइनस करेंगे तो एक मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बनेगा। चलो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से और कंसेप्ट से, दोनों तरीके से इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलो हम करते हैं फिर कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन, कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलो हम क्वेश्चन